अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आवर टुडेज़ टॉपिक इज़ वोकैबुलरी एक्सपेंशन विद एडियम्स। यानी आज हम बात करेंगे कि किस तरह हम एडियम्स के थ्रू वोकैबुलरी को एक्सपेंड कर सकते हैं। और बेसिकली आज की इस वीडियो में पहले हम एडियम देखेंगे कि एडियम्स होते क्या हैं, उसके बाद हम 100 डेली यूज़ एडियम्स की बात करेंगे। ठीक है, मैं उनके मीनिंग्स भी बताऊँगी, सेंटेंस में कैसे यूज़ उनका है वो भी बताऊँगी। ठीक है, और अगर आप वो 100 एडियम्स याद करके अपनी डेली कन्वर्सेशन में यूज़ करना स्टार्ट कर देते हो तो बिलीव मी, आप अगर पहले लेवल 1 पे हो तो लेवल 7-8 तक पहुंच जाओगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक इम्प्रेसिव चीज़ लगती है। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स डाइव इनटू इट। व्हाट आर एडियम्स? एडियम्स क्या होते हैं? एडियम्स आर फिक्स्ड एक्सप्रेशंस दैट हैव अ फिगरेटिव मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम द लिटरल इंटरप्रिटेशन ऑफ द वर्ड्स। एडियम्स अब क्या होते हैं कि इनके एक फिगरेटिव मतलब होता है, इनका जो आपके सामने जो लफ्ज़ लिखे हुए हैं इनका एग्जैक्ट वही मतलब नहीं होता। ठीक है, इसलिए एडियम्स जो हैं वो एक थोड़ा इम्प्रेसिव भी लगती हैं और दूसरा इनकी नॉर्मल बंदे को समझ भी नहीं आती। ठीक है, क्योंकि बात हम इंग्लिश में वर्डिंग कुछ और यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन हमारी जो सेंस होती है उसे बात करने की, वो लफ्ज़ बोलने की, वो कुछ और होती है। ठीक है, वो किसी और सेंस में यूज़ हो रहा होता है। तो ये होता है एडियम्स, दे आर डीपली रूटेड इन आवर लैंग्वेजेस culture and historical context and are used to express ideas and concepts in a concise and vivid manner. मतलब एक अच्छे और कंसाइज मैनर में जो है आपके आइडियाज़ या जो आपके कंसेप्ट्स हैं आप उनको जो है वो एक्सप्रेस करते हो। और इनकी जो रूट्स हैं, इनकी जो जड़ें हैं, वो लैंग्वेज के कल्चर में होती हैं। ठीक है, क्योंकि कल्चरल ये कुछ वर्ड्स होंगे। ठीक है, इसमें उसके बाद हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट आ जाता है और काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं जिनसे मिलकर ये हम एडियम्स बने थे और अब तक हम यूज़ करते आ रहे हैं। ठीक है, सो चलें हम अपनी लिस्ट को स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज़ Don't give up that job. What is it? Don't give up that job. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है you are not very good at that. You could definitely not do it professionally. इसका मतलब ये हुआ don't give up the day job का, कि आप जो है कोई ऐसा काम करने जा रहे हो जो आपको लगता है कि जिसमें आप बहुत अच्छे हो, लेकिन आप उसे बहुत अच्छे तरीके से नहीं कर सकते। ठीक है, आप उसे प्रोफेशनल वे में नहीं कर पाओगे, इसीलिए आपको दूसरा काम जो है वो नहीं छोड़ना चाहिए। देखें, I really like the way you sing, but don't give up your day job. यानी यहाँ पे वो कह रहे हैं कि मुझे बहुत पसंद है, बहुत पसंद आया जिस तरह आप गाती हो, बहुत पसंद है ये, लेकिन आपको अपना डे जॉब नहीं छोड़नी चाहिए, मतलब आपको जो है अपना वर्क, मेन वर्क नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, कैश काओ। कैश काओ का क्या मतलब होता है? एन ईजी वे टू अर्न मनी रेगुलरली, उसे हम कहते हैं कैश काओ। ठीक है, मतलब आसानी से आप रेगुलर बेसिस पे जिसके थ्रू पैसे कमा सको उसे कहते हैं कैश काओ। इनकम टैक्स इज़ अ रियल कैश काओ फॉर द गवर्नमेंट। मतलब जो इनकम टैक्स है ना, वो गवर्नमेंट के लिए कैश काओ है, कि वो रेगुलर बेसिस पे ईजी वे में जो है वो कुछ मनी है वो अर्न करती है। ठीक है, थर्ड वन इज बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू। ठीक है, बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, इसका मतलब ये होता है ट्राइंग टू डू समथिंग डैट इज़ टू डिफ़िकल्ट और टाइम कंज्यूमिंग टू फिनिश। मतलब देखो ना, इसका अगर हम लिटरल मीनिंग देखें तो वो तो ये बन रहा है ना कि आप जितना चबा सकते हो उससे ज़्यादा आप अगर काटो, बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू। ठीक है, तो इसका मीनिंग यहाँ पे ये होता है कि आप कोई ऐसे चीज़ करने जा रहे हो जो बहुत डिफ़िकल्ट है या जिस पे जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसका सेंटेंस में यूज़ कर देखें तो आई एम ग्लैड यू वॉन्ट टू प्रिपेयर the route by your the report by yourself, just be sure that you don't bite off more than you can chew. मतलब यहाँ पे इस चीज़ का इजहार हो रहा है कि ठीक है, मुझे बहुत खुशी है कि आप अपनी रिपोर्ट खुद से प्रिपेयर करने जा रहे हो, लेकिन बस आपको इस बात का ख्याल रखना है कि ये ना हो कि ये रिपोर्ट जो है वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो या बहुत डिफ़िकल्ट हो। फाइन, नेक्स्ट इज क्लियर द एयर। क्लियर द एयर, डिस्कस समथिंग डेट वॉज कॉजिंग पीपल टू फील अपसेट। मतलब जो चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है ना, जो लोगों को अपसेट कर रही है, उस बात को क्लियर करो सबके सामने। ठीक है, तो इसका हम कहते हैं क्लियर द एयर। देयर सीम्स टू हैव बीन अ मिसअंडरस्टैंडिंग, आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन वट हैपन जस्ट टू क्लियर द एयर। मतलब यहाँ पर लगता है कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, गलत फहमी हुई है,
तो मैं चाहूँगी कि मैं उस चीज़ को एक्सप्लेन कर दूँ, जस्ट ताकि जो है वो जो अपसेट हो रहे हैं लोग उस चीज़ों को ख़त्म किया जा सके एंड दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स, ठीक है। तो उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं टर्न योर बैक ऑन। टर्न योर बैक ऑन इसका क्या हमारे पास मीनिंग है? गिव अप ऑन और अबंडन, मतलब या तो तर्क कर देना, ठीक है, किसी चीज़ पे गिव अप कर देना, उसे अबंडन यानी तर्क कर देना। फाइन, आई टर्न योर हेल्प, सॉरी आई नीडिड योर हेल्प, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत थी, बट यू जस्ट टर्न योर बैक ऑन मी। लेकिन मतलब तुमने मुझ पर अपनी पीठ फेर ली, या तुमने जो है वो इस चीज़ को तर्क कर दिया, तुमने मुझ पर गिव अप कर लिया, ठीक है। नॉट गेट आउट फॉर, नॉट गेट आउट फॉर मतलब नॉट सूटेबल फॉर समथिंग, मतलब किसी चीज़ के लिए आप सूटेबल ही नहीं हो। फाइन, ही ट्राइड माउंटेन क्लाइंबिंग बट ही सिंपली वॉज नॉट कट आउट फॉर इट, मतलब उसने कोशिश की कि वो पहाड़ों पे चढ़ने की कोशिश की ना, मतलब उसने माउंटेन क्लाइंबिंग की, लेकिन बट ही वॉज सिंपली नॉट कट आउट फॉर इट, मतलब वो उसके लिए सूटेबल ही नहीं था, ठीक है। स्क्रैप द बॉटम ऑफ द बैरल, स्क्रैप द बॉटम ऑफ द बैरल इसका मतलब होता है द वेरी लास्ट और द वेरी वर्स्ट, मतलब बहुत ही आखिरी या बहुत ही बुरा, वर्स्ट कहते हैं ना, बहुत ही बुरा, ठीक है। दीज आर द लास्ट वॉलंटियर्स वी कुड फाइंड, वी रियली हैड टू स्क्रैप द बॉटम ऑफ द बैरल टू फाइंड देम, मतलब हमने ये जो है ये आखिरी वॉलंटियर्स हैं जो अपनी मर्जी से मतलब जो काम करते हैं ना, हम जो जिन्हें फाइंड कर पाए हैं, और ये बहुत मतलब मुश्किल था और बहुत वर्स्ट वे में बहुत मुश्किल से हमने इन्हें फाइंड किया है। अ क्लास एक्ट, अ क्लास एक्ट इसे कहते हैं सोफिस्टिकेटेड, अबव एवरेज, मतलब बहुत एक अच्छा तरीका, एवरेज जो आम लोगों से ऊपर वाली बात है, ठीक है। ही ऑफर टू हेल्प, मतलब उसने मदद करने की ऑफर की, इवन दो ही डजेंट नो मी, मतलब वो मुझे जानता तक नहीं था। ही इज़ अ रियल क्लास एक्ट, मतलब ये जो है ये वाकई उसने अबव एवरेज बात की है, ये आम लोगों वाली बात नहीं है। क्लीन अप योर एक्ट, मतलब इम्प्रूव योर बिहेवियर, ठीक है, कि आप अपना जो बिहेवियर है उसे इम्प्रूव करो, उसे अच्छा करो। इफ़ यू आर एवर गोइंग टू इम्प्रूव योर इंग्लिश, इंग्लिश स्किल्स, अगर आप कभी अपनी इंग्लिश स्किल इम्प्रूव करना चाहते हैं, यू मस्ट स्टार्ट गेटिंग इन टू क्लास ऑन टाइम एंड डूइंग योर होमवर्क, वाई डोंट यू क्लीन अप योर एक्ट, मतलब अगर आप चाहते हो कि आप अपनी इंग्लिश स्किल्स को इम्प्रूव करो, तो आपको जो है आपको क्लास टाइम पे लेनी चाहिए, ठीक है, आपको अपना होमवर्क करना चाहिए, एंड व्हाई डोंट यू क्लीन अप योर एक्ट, कि आप अपने बिहेवियर को इम्प्रूव क्यों नहीं करते। फाइन, नेक्स्ट चलते हैं, गेट योर एक्ट टुगेदर, गेट योर एक्ट टुगेदर मतलब गेट मोर ऑर्गेनाइज, मतलब और ज़्यादा ऑर्गेनाइज हो जाओ। यू हैव बीन लेट फॉर एवरी डे फॉर वर्क एवरी डे दिस वीक, इफ़ यू वॉन्ट टू कीप दिस जॉब यू मस्ट गेट योर एक्ट टुगेदर, मतलब आप जो है इस हफ्ते रोज़ाना लेट आते रहे हो, तो अगर आप चाहते हो कि ये जॉब बरकरार रहे आपकी, तो आप जो है अपनी जो चीज़ें हैं इसे ज़्यादा ऑर्गेनाइज कर लो। अ पीस ऑफ द एक्शन मतलब पार्टिसिपेशन इन एन एक्टिविटी, ठीक है, किसी भी एक्टिविटी में जो पार्टिसिपेशन है आपकी उसे कहते हैं अ पीस ऑफ द एक्शन। आई हियर दैट यू आर लुकिंग फॉर पार्टनर्स इन योर न्यू इन्वेस्टमेंट, इफ़ यू डोंट माइंड आई वुड लाइक टू गेट इन ऑन अ पीस ऑफ द एक्शन, मतलब मैंने सुना है कि आप जो है अपनी न्यू इन्वेस्टमेंट में पार्टनर को ढूंढ रहे हो, तो अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं चाहूँगी या चाहूँगा कि आपकी इस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करूँ। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, ठीक है, इसका मतलब होता है पीपल्स इंटेंशंस कैन बी जस्ट बेटर बाय व्हाट दे डू देन व्हाट दे से, मतलब लोगों की क्या इंटेंशन है, वो क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं, वो जो कर रहे हैं उससे हम ज़्यादा अच्छे से जज कर सकते हैं, बजाय इसके कि वो क्या बोल रहे हैं। व्हाई डोंट यू गिव हर अ हग इंस्टेड ऑफ सेइंग यू आर सॉरी, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, मतलब बजाय सिर्फ सॉरी बोलने के आप उसे हग क्यों नहीं कर लेते, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जो एक्शंस होते हैं आप जो कर रहे हो वो ज़्यादा अच्छे से बताते हैं कि आपकी इंटेंशंस क्या हैं। इन द एयर मतलब बीइंग डिस्कस्ड या जनरली ऑब्वियस, मतलब जो चीज़ आम हो, जो चीज़ डिस्कस हो रही हो वो होती है इन द एयर, जैसे द डेज आर गेटिंग लॉन्गर एंड द फ्लावर्स आर ब्लूमिंग, स्प्रिंग इज़ इन द एयर, ठीक है, मतलब जो है दिन लंबे होना शुरू हो गए हैं, फ्लावर्स जो हैं, फूल जो है वो खिलने लग गए हैं, तो मतलब है कि स्प्रिंग जो है वो आ गई है, ठीक है, स्प्रिंग इज़ इन द एयर या स्प्रिंग इज़ बींग डिस्कस्ड और स्प्रिंग इज़ जनरली ऑब्वियस, ठीक है। गो ऐप, गो ऐप का मतलब होता है गो क्रेजी यानी पागल हो जाना। जैक वॉज रियली एंग्री, मतलब जैक बहुत गुस्से में था, आई थॉट ही वॉज गोइंग टू गो ऐप, मतलब मुझे लग रहा था कि वो पागल ही हो जाएगा।
अ ग्रे एरिया. ग्रे एरिया कहते हैं समथिंग दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिफाइन, मतलब जिसे डिफाइन करना बहुत मुश्किल हो उसे कहते हैं ग्रे एरिया. आई रिसर्च योर केस, मतलब मैंने तुम्हारे केस को रिसर्च किया, बट देयर आर फैक्ट्स नॉट एनी ब्लैक एंड वाइट आंसर्स. ठीक है, योर सिचुएशन सीम्स टू फॉल इनटू अ ग्रे एरिया, मतलब तुम्हारे रिसर्च भी किया लेकिन कुछ चीज़ों के बिल्कुल भी कोई आंसर नहीं है. लगता है कि तुम्हारी सिचुएशन ऐसी है जिसमें कुछ भी एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल होगा. ठीक है, अप इन आर्म्स मतलब एंग्री. द क्राउड वॉज एजिटेटेड. एवरीवन वॉज इन आर्म्स ओवर द गवर्नमेंट डिसीजन. ठीक है, तो मतलब हर कोई जो है वो गवर्नमेंट के डिसीजन से, उसके फैसले से गुस्से में था. Be glad to see the back of. मतलब be happy with when a person leaves. मतलब जब कोई person चला जाए तो आपको बहुत खुशी होना, तो आप कहेंगे be glad to see the back of. The guy bothers me. I will be glad to see the back of him. मतलब that guy, वो जो शख्स है वो मुझे परेशान कर रहा है, bother कर रहा है, तो मुझे बहुत खुशी होगी अगर वो चला जाए तो. ठीक है, next is give him her credit. मतलब एक्नॉलेज इन अचीवमेंट और कंट्रीब्यूशन ऑफ अ पर्सन, मतलब आप एक्नॉलेज करो कि उसने ये काम किया है. ठीक है, आप उसे क्रेडिट दो उस चीज़ का. ऑल्दो ही इज़ नॉट ईजी टू वर्क फॉर, ही यू हैव टू गिव हिम क्रेडिट फॉर मैनेजिंग द कंपनी वेल. ठीक है, कि उसके साथ काम करना जो है, ही इज़ नॉट ईजी टू वर्क फॉर, उसके लिए काम करना आसान नहीं है, लेकिन आपने उसे ये क्रेडिट दिया है, उसे जो है उसे ये एक्नॉलेजमेंट दी है कि वो कंपनी को अच्छे से मैनेज कर सके. गो बिहाइंड समवन्स बैक. ठीक है, इसको कहते हैं डू समथिंग विदाउट टेलिंग समवन, मतलब किसी को बताए बगैर कुछ करना, इसे कहते हैं गो बिहाइंड समवन्स बैक. डोंट ट्रस्ट जेन. शी एक्ट्स फ्रेंडली बट शी इज़ ऑलवेज गोइंग बिहाइंड समवन्स बैक. मतलब आप जेन पे जो है उस पर यकीन नहीं करो, भरोसा नहीं करो, क्योंकि वो बहुत फ्रेंडली तो लगती है, मतलब दोस्ताना तो उसका जो बर्ताव है, लेकिन जो है वो हमेशा लोगों की पीठ पीछे कुछ करती है. ठीक है, Each to his own, मतलब everyone is entitled to his own individual opinion. मतलब हर बंदा जो है वो अपनी own opinion का जिम्मेदार है. Fine? I can't say that I like George's new furniture. It seems very plain and uncomfortable. Each to his own. मतलब मैं ये नहीं कह सकती कि मुझे जॉर्ज का फर्नीचर बहुत अच्छा लगा है, वो बहुत ही प्लेन लगता है ना और अनकंफर्टेबल भी है, लेकिन खैर सब अपने चीज़ों के जिम्मेदार होते हैं. ठीक है, उसके बाद है ईगर बीवर. ये कहते हैं एंथुजियास्टिक पर्सन, मतलब जो बहुत ही पुरजोश किस्म के शख्स होते हैं उसे हम कहते हैं. जॉन डिड ऑल ऑफ हिज होमवर्क बिफोर सपर, ही श्योर इज एन ईगर बीवर. ठीक है, यानी जॉन ने जो अपना सारा काम है, वो जो सारा उसका होमवर्क था, घर का काम था, वो सपर से पहले ही उसने कंप्लीट कर लिया, वो यकीनन बहुत ही पुरजोश किस्म का बंदा है. उसके बाद आ जाते हैं अर्ली बर्ड. अ पर्सन हु इज़ अर्ली और गेट्स अप अर्ली, मतलब जो बहुत जल्दी उठ जाता है उसे हम कहते हैं अर्ली बर्ड. डे वॉज इन क्लास 30 मिनट्स बिफोर एनीवन एल्स. व्हाट एन अर्ली बर्ड. मतलब डेव जो है वो 30 मिनट बाकी सबसे पहले अपनी क्लास में मौजूद था, तो यकीनन वो बहुत ही जो है ना वो जल्दी उठने वाला इंसान है. स्क्रैच द सर्फेस. एग्जामिन ओनली अ पार्ट ऑफ समथिंग. अनकवर ओनली अ फ्यू फैक्ट्स अबाउट समथिंग. ठीक है, यानी एक कुछ ही फैक्ट्स जो है वो किसी चीज़ के बारे में अनकवर करना या बताना. ठीक है, यानी कैंसर रिसर्च इज़ अ वेरी लॉन्ग टर्म प्रोसेस, मतलब जो कैंसर की रिसर्च करना है ये बहुत ही लंबा प्रोसेस है. सो फार वी हैव जस्ट बिगन टू स्क्रैच द सर्फेस, मतलब हमने जस्ट उसके जो है वो कुछ चीज़ें अनकवर करना शुरू की हैं. गिव हिम द स्लिप. ठीक है, इसका मतलब होता है लीव हिम या हाइड फ्रॉम हिम, मतलब या तो उसे छोड़ दो या उससे छुप जाओ. आई थिंक डेड मैन इज़ फॉलोइंग अस, मुझे लगता है कि वो इंसान हमें फॉलो कर रहा है, हमारा पीछा कर रहा है. लेट्स गिव हिम द स्लिप, मतलब जल्दी से उससे छुप जाते हैं. कोल्ड शोल्डर. टू ट्रीट समवन इन अनफ्रेंडली मैनर, यानी आप किसी के साथ अच्छा बर्ताव ना करो, उसे कहते हैं गिविंग अ कोल्ड शोल्डर. ठीक है, आई डोंट थिंक जिम लाइक्स मी, मुझे नहीं लगता कि जिम मुझे पसंद करता है. आई ट्राई टू स्पीक विद हिम, मैंने उससे बात करने की कोशिश की, बट ही गेव मी द कोल्ड शोल्डर, लेकिन उसने मुझे बहुत अनफ्रेंडली मैनर में ट्रीट किया. ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है गेट द बॉल रोलिंग, यानी स्टार्ट समथिंग, किसी चीज़ को शुरू करना. ऑल राइट एवरी वन, वी स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम प्लानिंग दिस प्रोजेक्ट, नाउ इट्स टाइम टू गेट द बॉल रोलिंग. मतलब यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि मतलब सबको वो जो है कह रहा है कि अटेंशन सबकी पहले तो मांग रहे हैं. ऑल राइट एवरी वन, ठीक है सब, हमने बहुत सारा टाइम लगा दिया इस प्रोजेक्ट को प्लान करने में, तो अब जो है इसको शुरू करना चाहिए.
जंप ऑन द बैंड वैगन, इसका मतलब होता है ज्वाइन अ पॉपुलर ट्रेंड और एक्टिविटी, मतलब जो बहुत चीज़ मशहूर हो रही हो, बहुत चीज़ पॉपुलर जा रही हो, ट्रेंडिंग हो, ठीक है, तो उसमें जो है आप ज्वाइन कर लो उसे. आई लाइक इट न्यू प्रोसीजर एंड आई हैव डिसाइडेड टू जंप ऑन द बैंड वैगन, मतलब मुझे वो जो नया प्रोसीजर है वो अच्छा लगा है और मैं भी सोच रहा हूँ कि इस नई एक्टिविटी में जो है इनको ज्वाइन कर लूँगा. अ लूजिंग बैटल समथिंग डेट कैन नॉट बी अकम्प्लिश्ड, मतलब जिस चीज़ को आप अचीव नहीं कर सकते उसे कहते हैं अ लूजिंग बैटल. आई हैव ट्राइड फिक्सिंग द फ़ोन मैनी टाइम्स, मैंने बहुत दफ़ा कोशिश की कि फ़ोन को ठीक कर लूँ, फिक्स कर लूँ. आई जस्ट कांट डू इट बाई माई सेल्फ, मैं खुद से इसे नहीं कर सकती. इट्स अ लूजिंग बैटल, मतलब इसे करना मेरे बस में नहीं है, बहुत मुश्किल है. कीप समथिंग एट बे, मतलब कीप समथिंग अवे, कोई चीज़ दूर रखना. सारा फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू कीप द सेल्स पर्सन एट बे, मतलब सारा को ये बहुत मुश्किल लगा कि वो सेल्स पर्सन को जो बेचने वाला है उसे दूर रखे. स्पिल द बीन्स, स्पिल्स द बीन्स का मतलब होता है टेल अ सीक्रेट, कोई भी सीक्रेट बताना, अपना कोई राज बताना, ठीक है. आई वॉन्ट बी द वन टू स्पिल द बीन्स, मतलब मैं जो है उसमें से नहीं हूँ जो अपना राज बता दूँ. बेगर्स कांट बी चूसर्स, ठीक है. पीपल कांट कंप्लेन अबाउट समथिंग दे गॉट फॉर फ्री, मतलब जो चीज़ उन्हें फ्री में लोगों को मिली है उसके लिए वो कंप्लेन कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है. आई डोंट लाइक द कलर ऑफ द स्वेटर शी गेव मी, उसने मुझे जो स्वेटर दिया मुझे उसका जो रंग है वो पसंद नहीं आया. बट बैगर्स कांट बी चूसर्स, लेकिन अब चीज़ जो फ्री में मिली है उस पर कोई कंप्लेन नहीं की जा सकती. फ्लैश एंड ब्लड, मतलब अ रिलेटिव, जो रिश्तेदार होते हैं उसे कहते हैं फ्लैश एंड ब्लड. आई मस्ट हेल्प हिम, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए, आफ्टर ऑल आखिरकार ही इज़ माई ओन फ्लैश एंड ब्लड, कि वो मेरा अपना खून है. गिव द बेनिफिट ऑफ द डाउट, इसका मतलब होता है बिलीव सम स्टेटमेंट विदाउट प्रूफ, मतलब किसी स्टेटमेंट पे आप यकीन करो बगैर किसी प्रूफ के, ठीक है. द टीचर्स एक्सप्लेनेशन डिड नॉट सीम लॉजिकल, जो टीचर्स का जो एक्सप्लेनेशन थी वो लॉजिकल तो नहीं लग रही थी, बट आई गिव हर द बेनिफिट ऑफ द डाउट, लेकिन मैंने जो है विदाउट किसी प्रूफ के उसकी बात पे यकीन कर लिया. अ सेफ बेट, प्रोबेबली ट्रू विल प्रोबेबली हैपन, सेफ बेट का मतलब होता है कि ये चीज़ मतलब यकीनन होगी, उसके ज़्यादा चांसेस हैं होने के. इट्स अ सेफ बेट दैट योर इंग्लिश स्किल्स इम्प्रूव क्विकली इफ़ यू स्टडी एट एलनक्वेस्ट, मतलब अगर आप एलनक्वेस्ट पे में अपनी जो है वहाँ पे स्टडी करते हो तो इसमें ज़्यादा चांसेस हैं कि आप अपनी इंग्लिश स्किल्स को इम्प्रूव कर लोगे. नेक्स्ट इज़ फिट द बिल, फिट द बिल्स का मतलब होता है सीम करेक्ट, मतलब सही लगना. डेट सीम्स टू फिट द बिल, आई विल टेक इट, मतलब ये लगता है कि ये ठीक है तो मैं इसे ले लूँगी. ब्लैक एंड ब्लू, ब्लैक एंड ब्लू का हम लेते हैं ब्रूस्ड, ठीक है, मतलब उसके ज़ख्म होना. ही वॉज बीटन अनटिल ही वॉज ब्लैक एंड ब्लू, मतलब उसे तब तक मारा गया जब तक उसके काफ़ी सारे जो है वो ज़ख्म नहीं हो गए, ब्रोसेस नहीं हो गए. इन कोल्ड ब्लड, मतलब विद नो कंपैशन और मर्सी, यूजली एसोसिएटेड विद वर्थलेस मर्डर, मतलब जो बहुत ही बेरहम होते हैं ना उनके लिए इन कोल्ड ब्लड यूज़ करते हैं. द असैसिन वॉज एवल, ही किल्ड हिम इन कोल्ड ब्लड, मतलब जो मारने वाला था वो यकीनन बहुत शैतान था या बहुत ही एवल था, उसने उसे बहुत बुरे या बहुत बुरे तरीके से या बहुत बेरहमी से मारा. आउट ऑफ द ब्लू, मतलब अनएक्सपेक्टेड, ठीक है. अ ग्रेट आइडिया जस्ट केम टू मी आउट ऑफ द ब्लू, मतलब अनएक्सपेक्टेड वे में ये अचानक ही मेरे दिमाग में एक बहुत ही शानदार आइडिया आया. कॉल समवन्स ब्लफ, इसका मतलब होता है मेक समवन प्रूव व्हाट दे से, मतलब जो वो कह रहे हैं उसको प्रूव कर दो कि वो सही कह रहा है. ही इम्प्लाइड डेट ही वुड टर्मिनेट माई कॉन्ट्रैक्ट, उसने ये कहा कि वो मेरा जो है कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर देगा. बट आई कॉल्ड हिज ब्लफ, लेकिन मैंने उसकी बात को सच कर दिखाया, ठीक है. उसके बाद है रोक द बॉट, क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर अदर प्रॉब्लम, मतलब दूसरे लोगों के लिए मसले क्रिएट करना, मसले पैदा करना. एवरी वन लाइक्स एंथनी, सबको एंथनी पसंद है. ही डजंट रॉक द बॉट, मतलब वो दूसरों के लिए मसले पैदा नहीं करता. बाय द बुक, मतलब डूइंग समथिंग अकॉर्डिंग टू रूल्स, आप अपने जो है असूलों के मुताबिक चीज़ करो कोई भी काम, ठीक है. ही इज़ अ गुड कॉप, वो एक अच्छा सिपाही है, अच्छा कॉप है. ही डज एवरीथिंग बाय द बुक, वो हर चीज़ जो है वो रूल्स के मुताबिक करता है. गिव समवन द बूट, मतलब डिसमिस और गेट रिड ऑफ समवन, मतलब किसी से पीछे छुड़ा लेना. मिस्टर स्मिथ इज़ एन ईजी बॉस टू वर्क फॉर, मिस्टर स्मिथ जो है वो बहुत आसान बॉस है, उसके लिए काम करना बहुत आसान है. ही डजंट लाइक टू गिव समवन फॉर द बूट, वो जो है वो ऐसा नहीं है कि किसी को जो है जिसे पीछे छुड़ाया जा सके, या समथिंग लाइक दैट. गेट टू द बॉटम ऑफ, इसका मतलब होता है लर्न अबाउट एंड अंडरस्टैंड फुली, मतलब बहुत अच्छे से पूरे तरह से किसी चीज़ को अंडरस्टैंड कर लेना.
तो वी आर नॉट श्योर व्हाट हैपेंड, हमें नहीं पता कि क्या हुआ था, बट वी इंटेंड टू गेट इनटू द बॉटम ऑफ दिस, लेकिन हमारा ये इरादा है कि हम इसकी तह तक जाएंगे या इसे अच्छे से समझेंगे. नेक्स्ट इज आउट ऑफ बाउंड्स. आउट ऑफ बाउंड्स का मतलब होता है नॉट परमिटेड, मतलब इजाज़त ना होना. हैंस वॉन्टेड टू आस्क मैरी ऑन अ डेट, मतलब हैंस चाहता था कि वो मैरी को डेट पर बुलाए, बट आई एक्सप्लेन डैट, लेकिन मैंने ये वजाहत दी डैट शी इज़ आउट ऑफ बाउंड्स, ठीक है, मतलब उसे इजाज़त नहीं है. मैरी इज़ इंगेज टू जैक, मैरी जो है उसकी इंगेजमेंट हो चुकी है, मंगनी हो चुकी है जैक से. ब्रेड एंड बटर कहते हैं रेगुलर इनकम को, ठीक है. वी आर वेरी डिपेंडेंट ऑन आवर एडवर्टाइजिंग रेवन्यू, मतलब हम अपने जो एडवर्टाइजिंग रेवन्यू है उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं. इट्स आवर ब्रेड एंड बटर, ये हमारी रेगुलर इनकम है, ठीक है. द बेस्ट थिंग सिंस स्लाइस ब्रेड, ठीक है, मतलब अ गुड इन्वेंशन और इनोवेशन, मतलब एक अच्छी चीज़ दरियाफ्त करना, सॉरी ऐजाद करना, इन्वेंशन ऐजाद करने को कहते हैं, ठीक है. आई लव दिस पेपर फोल्डिंग मशीन, मुझे ये पेपर फोल्डिंग मशीन अच्छी लगी है. इट्स द बेस्ट थिंग सिंस स्लाइस बटर, मतलब ये एक अच्छी इन्वेंशन है. गिव मी अ ब्रेक, मुझे कुछ वक्फा दो. डिडंट एक्सपेक्ट मी टू बिलीव और एग्री विद, डोंट एक्सपेक्ट मी टू बिलीव, मतलब अब जो है ये बिल्कुल उम्मीद मत रखना कि मैं इसे एग्री करूँगी, ठीक है. यू थिंक द टीचर इज़ टॉकिंग, तुम्हें लगता है कि टीचर मजाक कर रहा है. गिव मी अ ब्रेक, मतलब मैं इस चीज़ से मुतफिक नहीं हूँ. डोंट होल्ड योर ब्रेथ, डोंट वेट टू लॉन्ग बिकॉज इट माइट नॉट हैपन, मतलब बहुत ज़्यादा अरसा जो है इंतज़ार नहीं करना चाहिए क्योंकि इसके होने के चांसेस नहीं है. येस इट्स पॉसिबल डेट दे विल लोअर टैक्सेस, मतलब हाँ ये यकीन है, मतलब पॉसिबल है कि वो टैक्सेस कम कर दें, बट डोंट होल्ड योर ब्रेथ. लेकिन जो है ये इसे या तो बहुत ज़्यादा लंबा अरसा लग जाएगा या फिर ये मतलब दिख नहीं रहा कि ऐसा होगा. क्रॉस द ब्रिज व्हेन यू कम टू इट, मतलब डील विद द प्रॉब्लम इफ एंड व्हेन इट बिकम्स नेसेसरी, नॉट बिफोर, मतलब आप अपनी प्रॉब्लम से तभी निपटो जब उससे निपटना ज़रूरी हो जाए, उससे पहले ज़रूरत नहीं है, ठीक है. आई एम नॉट टू वरीड अबाउट अ पॉसिबल डाउन टर्न इन द इकॉनमी, मतलब जो पॉसिबल डाउन टर्न है इकॉनमी में उसके बारे में बहुत ज़्यादा परेशान नहीं हूँ. एनी वे लेट्स क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन वी कम टू इट, मतलब चलो जब इस तक पहुँचेंगे तब इस मसले को भी हल कर लेंगे. द बबल हैज़ बर्स्ट, अ प्रीवियसली पोजिशन सिचुएटेड हैज़ इनकाउंटर्ड अ सीरियस प्रॉब्लम, मतलब जो पहले पॉजिटिव सिचुएशन थी, बहुत अच्छी सिचुएशन थी, उसे जो है एक सीरियस प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है. लास्ट ईयर, पिछले साल द स्टॉक मार्केट वॉज डूइंग वेरी वेल, स्टॉक मार्केट जो है वो बहुत अच्छी जा रही थी. अनफॉर्चुनेटली इट सीम्स दैट द बबल हैज़ बर्स्ट, मतलब अब लगता है कि जो है ना एक सीरियस प्रॉब्लम हो गई है. द बग स्टॉप्स हेयर, मतलब प्रॉब्लम्स आर रिजॉल्व्ड हेयर, कि यहाँ पे जो है वो मसले हल होते हैं. अ लॉट ऑफ पीपल ट्राई टू पास प्रॉब्लम्स टू अदर पीपल, बहुत से लोग कोशिश करते हैं कि मसलों को दूसरे लोगों तक जो है वो पास कर दें. एट माई डेस्क, मेरे डेस्क पे हाउ एवर द बग स्टॉप्स हेयर, मतलब प्रॉब्लम्स जो हैं, जो मसले हैं वो यहीं पे हल होते हैं. बर्न योर ब्रिजेस, मेक इट इम्पॉसिबल टू रिटर्न, मतलब वापस जाना मुमकिन ना हो, ठीक है. बी पोलाइट व्हेन यू हैंड इन योर रेजिग्नेशन, जब आप अपनी रेजिग्नेशन दे रहे हो, अपना इस्तीफा दे रहे हो, तो बहुत पोलाइट रहो. आफ्टर ऑल यू डोंट वॉन्ट टू टर्न योर ब्रिजेस, मतलब आप नहीं चाहते वो जैसे उर्दू में कहते हैं ना अपनी सारी कश्तियाँ चला देना, इट्स समथिंग लाइक दैट. माई ईयर्स आर बर्निंग, आई थिंक समवन इज सेइंग समथिंग बैड अबाउट मी और समथिंग अबाउट मी, मतलब माई ईयर्स आर बर्निंग का मतलब ये होता है कि कोई मेरे बारे में कोई बात कर रहा है, ठीक है. पर इज टॉकिंग अगेन, मतलब पर जो है वो दोबारा बात कर रहे हैं. माई ईयर्स आर बर्निंग, मुझे लगता है कि कोई मेरे बारे में बात कर रहा है. Put on the back burner, मतलब leave it for later, बाद के लिए रख देना, ठीक है. आई डोंट थिंक वी विल हैव टाइम टू कम्प्लीट इट दिस ईयर, मुझे नहीं लगता कि हम इस सारे से पूरा कर सकेंगे. लेट्स पुट इट ऑन द बैक बर्नर, मतलब इसे बाद में कर लेंगे. समवन मीन्स बिजनेस, मतलब समवन इज सीरियस, मतलब कोई बहुत सीरियस है. वॉच आउट फॉर हैरी, ही इज समवन हु मीन्स बिजनेस, मतलब हैरी का ख्याल करो या उसे देखो, वो जो है बहुत ही सीरियस पर्सन है. At the touch of a button, मतलब quickly and easily, बहुत तेज़ी से, बहुत आसानी से, no problem, कोई मसला नहीं है. I can change your account information at the touch of a button, मतलब मैं तुम्हारी जो account information है उसे बहुत आसानी से, बहुत जल्दी उसे जो है वो तब्दील कर दूँगी. Have your cake and eat it, मतलब enjoy something without paying for it या without paying for it, मतलब किसी चीज़ को enjoy करना बगैर उसके लिए pay किए.
ही एक्सपेक्टेड टू पास विदाउट स्टडिंग, उसे लगा था कि वो पढ़े बगैर जो है वो पास हो जाएगा. अनफॉर्चुनेटली यू कैन नॉट हैव योर केक एट 82. मतलब ऐसा नहीं है कि आप बगैर पे किए कोई भी चीज़ इंजॉय कर लो. अ क्लोज कॉल, मतलब समथिंग यूजली बैड ऑलमोस्ट हैपनिंग, मतलब जो तकरीबन होने वाली हो. ठीक है, डेट कार ऑलमोस्ट हीटस, मतलब उस कार ने तकरीबन हमें हिट कर ही दिया था. डेट वॉज अ क्लोज कॉल कि वो तकरीबन होने ही वाला था. इनफ इज़ इनफ, मतलब दिस शुड स्टॉप, कि अब ये ख़त्म होना चाहिए, अब ये रुक जाना चाहिए. आई हैव लिसन टू हिज कंप्लेंट्स फॉर ईयर्स बट इनफ इज़ इनफ, मतलब मैंने बहुत सालों तक उसकी शिकायतें सुनी हैं लेकिन अब बहुत हो गया, अब इसे रुक जाना चाहिए, ख़त्म हो जाना चाहिए. अ फैट कैट, मतलब अ वेल्दी पर्सन, एक अमीर शख्स. ही हैज़ एवरी थिंग ही नीड्स, ही इज़ अ रियल फैट कैट, मतलब उसके पास वो सब है जो उसे चाहिए, वो यकीनन एक अमीर आदमी है. माई टू सेंट्स वर्थ, मतलब माई हम्बल ओपिनियन, ठीक है, अपना कोई भी ओपिनियन देना. ही सीम्स लाइक अ करप्ट पॉलिटिशियन, मुझे लगता है कि वो एक करप्ट पॉलिटिशियन है, करप्ट जो है वो सियासतदान है. इट इज़ जस्ट माई टू सेंट्स वर्थ, मतलब ये जो है मेरा एक बस ओपिनियन है. हैंग आउट, मतलब बी टुगेदर, स्पेंड टाइम विद ईच अदर, इकट्ठे वक्त गुजारना, ठीक है, उसे कहते हैं हैंग आउट. हे लॉरेन, लेट्स गेट टुगेदर टुनाइट, वी कैन जस्ट हैंग आउट एंड प्रैक्टिस आवर इंग्लिश, मतलब हे लॉरेन, आज जो है हम रात को इकट्ठे वक्त गुजारते हैं, ठीक है, हम इकट्ठे वक्त गुजारेंगे और अपनी जो इंग्लिश है उसे प्रैक्टिस करेंगे. अ चेंज ऑफ हार्ट, मतलब अ चेंज्ड ओपिनियन, अपना इरादा जो है वो बदल लेना. एट वन टाइम, एक वक्त, आई स्पॉटेड जॉर्ज बुश, मैंने जॉर्ज बुश को स्पॉट किया था. एट द एज टाइम वेंट ऑन, मतलब जैसे जैसे वक्त गुजरा, हाउ एवर द हम आई हैड अ चेंज ऑफ हार्ट, मेरा जो ओपिनियन है, मेरा जो इरादा है वो बदल गया. गेट समथिंग ऑफ योर चेस्ट, मतलब एक्सप्लेन समथिंग डेट इज़ बॉदरिंग यू, मतलब ऐसी चीज़ को वजाहत कर देना जो आपको परेशान कर रही है. गैरी, यू डोंट सीम हैप्पी, मतलब तुम जो है वो खुश नहीं लग रहे. इज़ देयर समथिंग यू वुड लाइक टू गेट ऑफ योर चेस्ट, मतलब क्या ऐसा कुछ है जो तुम्हें परेशान कर रहा है और तुम चाहते हो कि उसे एक्सप्लेन कर दो. ठीक है, डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर द एग्स हैव हैच्ड, मतलब डोंट मेक प्लान्स फॉर समथिंग डेट माइट नॉट हैपन, मतलब ऐसे किसी चीज़ का प्लान ना करो जो पॉसिबल ही ना हो. ठीक है, येस आई थिंक वी प्रोबेबली गेट अ रेज इन पे दिस ईयर, हाँ ये बात ठीक है, मुझे लगता है कि हमने जो है इस दफ़ा जो अपनी हमारी पे थी, जो हमारी तनख्वाह थी, उसमें कुछ इजाफा हुआ है इस साल. रिमेंबर, याद रखना, दो, डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर द एग्स हैव हैच्ड, मतलब अपने जो है ऐसे प्लान्स ना बनाना जो पूरे ही ना हो सकें. अ चिप ऑन हिज शोल्डर, मतलब ही इज़ एंग्री अबाउट समथिंग, वो किसी चीज़ को लेके गुस्सा है, ही या शी कुछ भी हो सकता है. ठीक है, आई डोंट नो वाई ही इज़ सो अनहैप्पी, मतलब मुझे नहीं पता कि वो इतना नाखुश क्यों है. ही सीम्स टू हैव अ चिप ऑन हिज शोल्डर, मतलब लगता है कि वो किसी चीज़ के बारे में गुस्सा है. कम फुल सर्कल, मतलब अ प्रोसेस हैज़ बीन कम्प्लीटेड, एक चीज़ जो है, कोई प्रोसेस जो है वो पूरा हो गया. द सैल्मन हैज़ रिटर्न टू द प्लेस वेयर इट ओरिजिनली हैच्ड, इट्स लाइफ साइकिल हैज़ कम फुल सर्कल, मतलब सैल्मन अपनी उसी पोजिशन पर, अपनी उसी जगह पर आ गया जहाँ से वो हैच्ड हुआ था, शुरू हुआ था. ठीक है, तो उसका जो लाइफ साइकिल है वो पूरा हो गया है. स्क्वीकी क्लीन, मतलब लेजिटिमेट एंड प्रॉपर, मतलब कानूनी और प्रॉपर. ठीक है, वी चेक्ड ऑफ ऑल ऑफ हर रेफरेंसेस, शी इज स्क्वीकी क्लीन, मतलब हमने उसके तमाम जो रेफरेंसेज हैं उनको चेक कर लिया है, तो वो बहुत ही स्क्वीकी क्लीन है, मतलब वो बहुत ही लेजिटिमेट है, प्रॉपर है, कानूनी है. ठीक है, इन द क्लियर, मतलब आउट ऑफ ट्रबल, बगैर किसी मसले के. हिज इनोसेंस हैज़ बीन प्रूवन, उसके जो इनोसेंस है वो प्रूव हो गई है. ही इज़ इन द क्लियर, मतलब वो आउट ऑफ ट्रबल है, अब उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है. स्टीयर क्लियर ऑफ, मतलब अवॉइड, किसी चीज़ को अवॉइड करो. ठीक है, उससे इज्तनाब करो. शी इज़ नॉट वेरी नाइस, वो बहुत अच्छी नहीं है. आई थिंक वी शुड स्टीयर क्लियर ऑफ हर, मतलब हमें उसे दूर रहना चाहिए. राउंड द क्लॉक, मतलब ऑल द डे, मतलब 24 आवर्स. शी इज़ अ वेरी हार्ड वर्कर, मतलब वो बहुत मेहनती है. शी यूजली वर्क्स राउंड द क्लॉक, मतलब वो पूरा पूरा दिन काम करती है. टर्न बैक द क्लॉक, मतलब गो बैक इन टाइम, वक्त में वापस चले जाना. आई फील ओल्ड, मुझे लगता है कि मैं, मतलब मैं बूढ़ा फील करती हूँ. आई विश आई कुड टर्न बैक द क्लॉक, मतलब मैं जो है वो, मेरी ये ख्वाहिश है कि काश मैं जो है दोबारा पिछले वक्त में जा सकती. लाइफ क्लॉक वर्क, मतलब विद मैकेनिकल एफिशिएंसी. ठीक है, बहुत एफिशिएंटली काम करना ना. ही इज़ वेरी प्रिडिक्टेबल, वो चीज़ों को बहुत प्रिडिक्ट करता है. एंड ही ऑलवेज ईट एट द सेम टाइम लाइक क्लॉक वर्क, वो हमेशा जो है एक ही वक्त पे खाना खाता है, जैसे वो मैकेनिकल एफिशिएंसी से. ठीक है, वेक अप एंड स्मेल द कॉफ़ी, मतलब थिंक मोर रियलिस्टिकली, मतलब ज़्यादा रियलिस्टिक मैनर में सोचो.
ही डजेंट रिस्पेक्ट यू एज मच एज यू थिंक, वो तुम्हें उतनी इज्जत नहीं देता जितनी तुम समझते हो. वेक अप, जागो एंड स्मेल ऑफ द कॉफी, मतलब ज़्यादा रियलिस्टिकली सोचो. द अदर साइड ऑफ द कॉइन, मतलब एन अदर वर्जन ऑफ अ स्टोरी और इवेंट, ठीक है, मतलब जो कोई भी स्टोरी या कोई भी इवेंट है उसके दूसरी भी तो एक वर्जन होगा ना, उसकी बात हो रही है. द ग्लोबल समिट विल इनकरेज मीनिंगफुल डायलॉग, ऑन द अदर साइड ऑफ द कॉइन इट माइट रिजल्ट इन वायलेंट प्रोटेस्ट. मतलब जो ग्लोबल समिट हुआ है वो इनकरेज कर सकते हैं मीनिंगफुल डायलॉग को, लेकिन अगर हम दूसरी स्टोरी की बात करें, दूसरी तरफ बात ये है कि हो सकता है कि इससे कुछ वायलेंट प्रोटेस्ट भी स्टार्ट हो जाए, ठीक है, धरने भी स्टार्ट हो जाए. लेफ्ट आउट इन द कोल्ड, मतलब लेफ्ट अनएडिड और अनप्रोटेक्टेड, मतलब बगैर किसी प्रोटेक्शन के छोड़ देना. दे डोंट इंक्लूड मी इन देयर ग्रुप, उन्होंने मुझे अपने ग्रुप में शामिल नहीं किया. आई फील लेफ्ट आउट इन द कोल्ड, मतलब मुझे लगा कि मैं बहुत ही अनप्रोटेक्टेड हूँ या मुझे ऐसे ही छोड़ दिया गया है, ठीक है. विद फ्लाइंग कलर्स, मतलब विद एंथुसिएज्म एंड एग्जुबेरेंस, मतलब बहुत ही पुरजोश तरीके से. आई कांट वेट टू सी यू ऑल, मैं तुम्हें देखने का और इंतज़ार नहीं कर सकती. आई विल बी देयर विद फ्लाइंग कलर्स, मतलब मैं बहुत ही पुरजोश तरीके से बहुत जल्द वहाँ पे होंगी. स्क्रेप बाय, स्क्रेप बाय का मतलब होता है हैविंग जस्ट इनफ बट नॉट मोर, ठीक है. इसका मतलब होता है आर बजट इज़ नॉट सेटिस्फैक्ट्री, हमारा जो बजट है वो सेटिस्फैक्ट्री तो नहीं है, बट वी विल फाइंड अ वे टू स्क्रैप अप, स्क्रैप बाय, ठीक है, लेकिन हम जो है कोई ना कोई रास्ता तलाश कर लेंगे कि इसी से जो है हम इनफ ले लें, ठीक है. इसके बाद आता है अ टफ कुकी. अ टफ कुकी का हमारे पास मतलब होता है अ स्टबर्न या स्ट्रॉन्ग पर्सन, मतलब जो बहुत ही ज़िद्दी आदमी होता है ना, या बहुत ही ताकतवर, ठीक है. डोंट गेट शर्ली अपसेट, शर्ली को अपसेट मत करो, शी इज़ अ टफ कुकी, मतलब बहुत ही ज़िद्दी है, ठीक है. कीप योर कूल, इसका मतलब होता है डोंट ब्लेम बिकम अपसेट, मतलब अपसेट ना हो, परेशान ना हो, रिलैक्स, कीप योर कूल, ठीक है. उसके बाद आ गया लूज योर कूल, मतलब बिकम अपसेट, परेशान हो जाना. डोंट गेट अपसेट इफ़ यू लूज योर कूल, इट विल मेक मैटर्स वर्स, मतलब अपसेट ना हो, अगर तुम हो गए तो इससे मामला जो है वो ज़्यादा ख़राब हो जाएगा. उसके बाद आ जाता है इन अ टाइट कॉर्नर, इसका मतलब रहता है विदाउट एनी गुड ऑप्शन, मतलब कोई अच्छे ऑप्शन मौजूद ना हो. मिलो हैज़ रन आउट ऑफ ऑप्शंस, ठीक है, उसके पास अब कोई अच्छा ऑप्शन नहीं बचा. इफ़ ही टेक्स एनी मोर चांस, अगर वो और चांस लेती है या लेता है ही माइट फाइंड हिमसेल्फ इन अ टाइट कॉर्नर, मतलब वो ऐसी सिचुएशन में आ जाएगा कि उसके पास और अच्छे ऑप्शन नहीं रह जाएंगे. अ काउच पोटैटो, अ लेजी पर्सन मीन बहुत ही सुस्त आदमी, ठीक है. लुइस जस्ट वॉच टी वी ऑल डे, या लुइस जो है वो सारे दिन टी वी देखता रहता है. ही रियली इज़ अ काउच पोटैटो, वो बहुत ही सुस्त आदमी है. टेक्स इट्स कोर्स, इसका मतलब होता है अ सिचुएशन डेवलप्स नेचुरली, कि कोई भी जो सिचुएशन होती है वो नेचुरली डेवलप होती है, मतलब देर इज़ नथिंग वी कैन डू टू रिलीव द इफेक्ट्स ऑफ हर डिजीज़, मतलब हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि उसकी जो बीमारी है उसके इफेक्ट्स को कम कर सकें. वी कैन ओनली वेट, हम सिर्फ इंतज़ार कर सकते हैं, एंड लेट द इलनेस टेक इट्स कोर्स, कि जो सिचुएशन है उसकी वो खुद ही ठीक हो जाए, ठीक है, डिवेलप नेचुरली. फाइन, अप द क्रीक, मतलब इन ट्रबल, किसी मुश्किल में होना. आई वॉन्ट बिल बट ही वुड नॉट लिसन, नाउ ही इज़ अप द क्रीक, मतलब मैंने उसे वार्न किया था, वार्निंग दी थी, लेकिन उसने मेरी नहीं सुनी, ठीक है, और अब वो मुश्किल में है. क्रोकोडाइल टीयर्स, इसका मतलब होता है एग्जेजरेटेड और टेक फेक्ड सिंपथी, मतलब बहुत ही एग्जेजरेट करना, बहुत बढ़ चढ़ के बताना, या ऐसे ही फेक सिंपथी लेना ना. तो शी टोल्ड मी शी वॉज सॉरी बट शी वॉज नॉट, मतलब उसने मुझे कहा कि वो सॉरी है लेकिन वो नहीं थी, ठीक है. इट वॉज जस्ट अ क्रोकोडाइल टीयर्स, वो सिर्फ एक एग्जेजरेट कर रही थी चीज़ों को, या ऐसे ही फेक सिंपथी ले रही थी. व्हेन इट कम्स टू द क्रंच, मतलब when there are no more possibilities, जब और ज़्यादा possibilities ना बचें, तो उसे कहते हैं when it comes to the crunch, ठीक है. Victor seems to have a casual point of view when it comes to the crunch, though he is a real professional. कि विक्टर जो है वो उसका जब seems to have a casual point of view, कि उसका एक casual point of view है, ठीक है, when it comes to the crunch, जब उसके ज़्यादा possibilities नहीं बची, though he is a real professional, मतलब चनाचा वो एक professional आदमी है. A far cry from, मतलब very different from, मतलब बहुत ही मुख्तलिफ होना. His personality is a far cry from his father's, कि जो उसकी personality है, जो उसकी शख्सियत है, वो उसके बाप से बहुत मुख्तलिफ है. Next is off the cuff. Off the cuff मतलब होते इसका मतलब होता है विदाउट रिसर्च प्लानिंग और कंसिडरिंग, मतलब किसी भी रिसर्च के बगैर, किसी भी चीज़ प्लान किए बगैर, या कोई भी चीज़ कंसिडर किए बगैर. I haven't had the time to think about it, मतलब मुझे वक्त नहीं मिला इस चीज़ के बारे में सोचने का. My off the cuff impression, however, is that
इट इज़ अ गुड आइडिया. मतलब मैंने इसे कोई इसके बारे में जो है वो रिसर्च नहीं की है, लेकिन क्या ये एक अच्छा आइडिया है? कांट कट इट, मतलब कैन नॉट डू इट, मतलब उसे ना कर पाना. ठीक है, किम शुडेंट बी वर्किंग हेयर, किम को यहाँ नहीं काम करना चाहिए, शी जस्ट कांट कट इट, वो ये नहीं कर पाएगी. इन द डार्क, मतलब इग्नोरेंट, ठीक है, जाहिल, ठीक है, दे डिडेंट टेल मी एनीथिंग, उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया. आई फेल्ट लाइक, मुझे लगा दे हैड लेफ्ट मी इन द डार्क, कि उसने उन्होंने मुझे इग्नोर कर दिया है. अ शॉट इन द डार्क, अ शॉट इन द डार्क का मतलब होता है अ गेस, ठीक है, कोई भी चीज़ गेस करना. आई एम नॉट श्योर बट आई कुड टेक अ शॉट इन द डार्क, मतलब मैं इस बारे में पूरी यकीन नहीं हूँ, लेकिन मैं इसके बारे में कुछ ना कुछ गेस तो कर ही सकती हूँ. ठीक है, कॉल इट अ डे, मतलब स्टॉप, रुक जाओ. आई एम टायर्ड, लेट्स कॉल इट अ डे, मतलब मैं थक गई हूँ आज, मतलब यहीं पर रुक जाते हैं. लेट इन द डे, मतलब टू लेट, मतलब बहुत देर हो जाना. द गवर्नमेंट जस्ट डिसाइडेड टू बाई न्यू हेलीकॉप्टर्स, गवर्नमेंट ने न्यू हेलीकॉप्टर खरीदने का सोच लिया है, बट इट सीम्स अ लिटिल लेट इन द डे टू मेक सच अ डिसीजन, लेकिन लगता है कि उन्होंने बहुत देर कर दिया ये फैसला करने में. इन ब्रॉड डे लाइट, इसका मतलब होता है विदाउट ट्राइंग टू हाइड इट, मतलब उस किसी भी चीज़ को छुपाए बगैर करना, खुलेआम करना. ठीक है, दे रोब द बैंक इन ब्रॉड डे लाइट, कि उन्होंने बगैर छुपे जो है वो बैंक की रॉबरी की, बैंक को लूटा. मेक समवन स्टे, मतलब मेक समवन हैप्पी, किसी को खुश कर देना. योर लेटर मेक माई मेड माई डे, तुम्हारे जो खत है उसने मुझे खुश कर दिया. विद द वुडेंट बी कॉट दैट, ठीक है, मतलब वुड नेवर, मतलब कभी नहीं. आई हेट दैट ड्रेस, मुझे नफरत है उस उन कपड़ों से. आई वुडेंट बी कॉट दैट वियरिंग इट, मतलब मैं उसे कभी नहीं पहनूंगी. गेट अ रॉ डील, ठीक है, इसका मतलब होता है रिसीव्स लेस देन वट इज डिजर्व, मतलब जो आप डिजर्व करते हो उससे कम हासिल करना. बी श्योर टू रीड द कॉन्ट्रैक्ट केयरफुली बिफोर यू साइन इन, साइन इट, ठीक है, साइन करने से पहले आप कॉन्ट्रैक्ट को अच्छी तरह से पढ़ लो. यू डोंट वांट टू गेट अ रॉ डील, मतलब आप नहीं चाहते कि आप जितना डिजर्व करते हो उससे कम हासिल करो. रन्स डीप, मतलब इंट्रेंच्ड और इंग्रेंड, मतलब फंस जाना. ही लव्स हिज कंट्री, इंट्रेंच मतलब उसमें भरा होना ना किसी चीज़ का. ठीक है, ही लव्स हिज कंट्री, उसे अपने मुल्क से बहुत मोहब्बत है. पेट्रियोटिज्म रन्स डीप इन हिज वीन्स, जो पेट्रियोटिज्म है, मोहब्बतनी है, वो उसकी रगों में तोड़ती है, बहुत उसकी रगों में भरी हुई है. और द लास्ट वन इज़ आउट ऑफ योर डेप्थ, मतलब बियॉन्ड योर एग्जिस्टिंग नॉलेज और एबिलिटी, मतलब आपकी जो नॉलेज है उसकी जो एबिलिटी है आपकी, उससे परे की बात. ठीक है, यू डोंट सीम टू हैव मच एक्सपीरियंस इन दिस सब्जेक्ट, मतलब नहीं लगता कि तुम्हारा इस सब्जेक्ट में, इस मामले में ज़्यादा कोई एक्सपीरियंस है. आर यू श्योर, क्या तुम्हें यकीन है? यू आर नॉट आउट ऑफ योर डेप्थ, कि तुम अपनी नॉलेज या एबिलिटी से ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे. एंड डेट्स इट फॉर टुडे. आई होप डैट यू हैव लव्ड माई वीडियो. इफ सो देन कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल. थैंक यू.